675 बंगाल एट द कॉस्ट ऑफ सोमवार का दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और उनके मंत्रालय की परीक्षा का दिन रहा वो इसलिए कि देश ही नहीं पूरी दुनिया पिछले एक साल से कोरोना महामारी से करा रही है इस महामारी ने दुनिया भर के देशों का अर्थ तंत्र चौपट करके रख दिया है हमारा देश भी बुरी तरह प्रभावित है लेकिन जैसा कहा जाता है भारत विषम परिस्थितियों में मजबूती से लड़ना जानता है वैसा ही जज्बा सामने आया महामारी से बचाने देश को वैक्सीन देने के बाद केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था को भी वैक्सीन देने की कोशिश की बजट में सरकारी बैंकों को बीस हजार करोड़ देने का प्रावधान किया गया बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया एल का आई लाना जैसा बड़ा फैसला हुआ किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया उनको आसानी से और ज्यादा लोन देने का प्रावधान किया बजट में छोटे उद्योगों स्टार्टअप ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए कई प्रावधान किए यानी रोजगार के अवसर बढ़ाने को प्राथमिकता दी गई सरकार ने इसे आम आदमी पर बिना बोझ डाले असाधारण परिस्थितियों में देश के आत्मविश्वास का बजट बताया आज का बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है और साथ ही दुनिया में एक नया आत्मविश्वास भरने वाला है आज के बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक हर वर्ग का समावेश भी है महामारी में आए इस बजट को आर्थिक विशेषज्ञों ने समझदारी और संतुलित बजट बताया बजट में इकोनॉमी को वैक्सीन दी आम लोगों के वैक्सीनेशन के लिए पैंतीस हजार करोड़ का प्रावधान किया गया साथ ही ये कहा कि जरूरत पड़ी तो सरकार और फंड देने के लिए प्रतिबद्ध है इसके ये मायने भी निकाले जा रहे हैं कि जरूरतमंदों को सरकार निःशुल्क वैक्सीन दे सकती है उधर कोरोना में मध्यम वर्गीय और सैलरीड वर्ग की उम्मीदें अधूरी रही बजट में इस वर्ग को राहत नहीं मिली तो कोई बोझ भी नहीं लादा गया टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया बजट में 75 पार बुजुर्गों को आईटीआर दाखिल करने की छूट दी गई है ये बजट इस समय के लिए और हिंदुस्तान की इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए ग्रोथ पे फोकस करने के लिए और एक एक ऐसा फाउंडेशन ले करने के लिए जैसे कि हमारे आने वाले वर्षों में भी हमारी जो है वो ग्रोथ रेट तेज़ रहे उसके लिए सबके लिए बहुत ही मुनासिब बहुत ही अच्छा बजट है ऐसे हालात में राहत की उम्मीद बेमानी थी लेकिन कोरोना काल में आए इस बजट पर राजनीतिक क्षेत्रों से अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है क्रांतिकारी बजट है ऐतिहासिक बजट है भारत की समृद्धि और विकास का बजट है जिसमें समाज के सब वर्गों का ध्यान रखा गया है सर्वे बहुत सुखि सर्वे संतु निरामया का बजट है प्रधानमंत्री आपदा को अवसर में बदलना जानते हैं मैं मानता हूं कि कोरोना काल में आपदा को अवसर में बदलने का यह बजट है अर्थव्यवस्था को ट्रांसफॉर्म करने वाला मानवीय बजट इधर महंगाई चरम सीमा पे दाल डेढ़ सौ रुपये किलो तेल सौ सवा सौ रुपये किलो बड़ा गाना गाते थे नरेंद्र मोदी साहब कि सखी सयाँ तो बहुत ही कमा थे महंगाई डायन खाए जाते थे पर मेरा कहना कि बीजेपी के डाकुओं तुमने तो पूरे देश को खा लिया राजनीतिक प्रतिक्रिया अपनी जगह है लेकिन महामारी में जैसे उद्योग जगत को उम्मीदें थी वो पूरी होते दिखी बजट से कारोबार जगत उत्साहित दिखा इसका असर शेयर बाजार पर भी पड़ा बजट भाषण के दौरान ही शेयर बाजार में बड़ा उछाल देखने को मिला कुल मिलाकर कोरोना काल का ये बजट विश्वास विकास और आत्मनिर्भर भारत के विजन का बजट कहा जा रहा है इसके दूरगामी नतीजे सामने आने का दावा भी किया जा रहा है ब्यूरो रिपोर्ट बंसल न्यूज नमस्कार मैं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है इकॉनमी को वैक्सीन अगर पूरे बजट का मूल्यांकन आप एक अर्थशास्त्री के नज़रिए से करने की कोशिश करेंगे आप कैसे करेंगे अर्थशास्त्री अगर आप होंगे तो कर पाएंगे तो मुझे यूं कहना चाहिए कि अगर एक अर्थशास्त्री के नज़रिए से हम इस बजट को समझने की कोशिश करें जो दिन भर हमने बजट को लेकर माथापच्ची की है और खासतौर से जो अर्थशास्त्री हैं उनकी बात को समझने की कोशिश की है तो निश्चित तौर पर इस बजट की अगर सबसे पहले जैसा कहा जाता है कि आप ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है आपके नज़रिए पर डिपेंड करता है तो अगर हम ग्लास को भरा हुआ देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि इस बजट ने ये बताया है कि पेंडेमिक इरा कोरोना इरा के बाद भी भारत की जो आर्थिक ताकत है आर्थिक शक्ति है उस पर प्रहार तो बहुत हुए लेकिन वो लड़खड़ाई नहीं और लड़खड़ाकर उसने पटरी छोड़ नहीं दी है और यह ये ये भी बताता है कि भारत की इस अर्थव्यवस्था को जिसे दुनिया की पांचवी छठवीं जिस श्रेणी में इसको रखा गया है उस अर्थव्यवस्था के रूप में भी अगर हम देखें तो बिल्कुल ठीक बात है कि हम दुनिया की पांच अर्थव्यवस्थाएं जो पांच हैं टॉप फाइव आप कह लीजिए उसमें आगे बढ़ने का मादा भारत ने फिर दिखाया है उम्मीद की जा रही थी जैसा मैंने अर्थशास्त्रियों को सुना कि एक ऐसा बजट भी आ सकता है कि शायद हम देख कर ये समझ पाएँ कि वित्त मंत्री भी नहीं समझ पा रहे थे कि कैसे चीज़ों को पकड़ कर चलें और कैसे आगे बढ़ाएँ शेयर बाज़ार मुस्कुराया है जो अच्छी बात है क्योंकि बाज़ार में पैसा आया है और बाजार में पैसा आता है तो वो कहीं ना कहीं उसकी मुस्कुराहट सभी के चेहरे पर आती है क्योंकि यही मंदी से निपटने का सबसे बड़ा गणित माना जाता है अर्थशास्त्रियों की निगाह में कि आप बाज़ार में पैसा डाल दीजिए तो सरकार ने वो करने की कोशिश की है हाँ ये ज़रूर है कि मध्यम वर्ग हमेशा की तरह खाली हाथ ही रहा है लेकिन किसानों की अगर हम बात करें या हेल्थ सेक्टर की हम बात करें तो वहाँ पर फोकस नज़र आता है हालाँकि जो बजट प्रोविजन्स हम देख रहे थे तो उनमें हेल्थ एजुकेशन और कृषि की अगर हम बात करें तो उसमें पिछले साल और मौजूदा साल और आने वाले साल में जो राशि खर्च हो रही है उसमें कोई बहुत अंतर नहीं है बल्कि कहीं तो वो कम ही नज़र आ रही है लेकिन पीछे बंधे हैं हाथ लेकिन शर्त है सफ़र किससे कहें कि पैर का कांटा निकाल दे ये मिसाल इस दौर में न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में जो देश हैं और ख़ासतौर से बढ़ती हुई इकॉनमी है वहाँ सबके सामने ये बात थी लेकिन इस बजट को हम ये नहीं कह सकते कि इसने मायूस किया है निराश किया है नज़रिया अपना अपना हो सकता है और होना ही चाहिए एक बड़े लोकतंत्र में जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है लेकिन इस बजट ने सबसे अच्छी चीज़ अगर हमारे सामने रखी है तो वो यही रखी है कि ये बजट एक ग्रोथ की तरफ बढ़ता हुआ बजट है जो भविष्य में झांकने का मादा इस कठिन समय में भी रखता है और बाकी जो चीज़ें हैं निश्चित तौर पर कोई चीज़ आलोचना के दायरे से परे नहीं है तो ये बजट भैया कैसे हो सकते हैं जो उससे परे हों लेकिन वो सब चलता रहेगा लेकिन एक अच्छी बात यह है कि हम पटरी पर आ रहे हैं हमारी अर्थव्यवस्था ठीक होने की तरफ बढ़ेगी ये भरोसा हमें इस बजट को देखकर जरूर मिला है तो मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं मेरे साथ भोपाल स्टूडियो में हैं बीजेपी के युवा नेता प्रवक्ता और अब तो संगठन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले रजनीश अग्रवाल जी बहुत स्वागत करता हूँ प्रदेश मंत्री हैं वो मध्य प्रदेश बीजेपी में अब्बास हफीज साहब हैं जो युवा नेता हैं प्रवक्ता हैं खूब पढ़ते हैं लिखते हैं लिखने से ज्यादा बोलते हैं और अपने टेलीविजन चैनल में भी चमकते हैं झमकते हैं वो तो बढ़िया एक उद्यमी उद्यमी राजनेता हैं जो हर दृष्टि से आगे बढ़ते हैं जयप्रकाश पाराशर जी हैं जिनका गां्भीर्य आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं अभी भी आंकड़ों से उनकी निगाह हट नहीं रही है उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं और पहली टिप्पणी लेकर मैं उन्हीं की टिप्पणी के साथ आगे बढ़ता हूँ जयप्रकाश जी आंकड़ों पर बड़ी गंभीरता से आप अभी भी विश्लेषणात्मक और भेदी दृष्टि के साथ आप जुटे हुए थे किस तरह देखते हैं कुछ और चीज़ें जो दोपहर बाद मेच्योर होती चली गई हैं आप देख पाए हों तो बताइए जरा हमें तो हम उसकी रोशनी में अपने राजनीतिक मित्रों से भी चर्चा का सिरा पकड़कर आगे बढ़ेंगे जी हुँ। जी हुँ। नहीं आपने जो आपने जो ओपनिंग रिमार्क को दिया है और जैसा कि दिन में भी बातचीत हुई थी और ब्रह्मे जी कह रहे थे वो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जो जनवरी से मार्च के दौरान खर्च करती हुई दिखाई देती है सरकार वो थर्टी फोर लाख करोड़ के करीब है यानी जो इस वित्त वर्ष में तो अगले वित्त वर्ष में चौंतीस लाख करोड़ थर्टी फोर पॉइंट एट थ्री लाख करोड़ बराबर है मतलब ऑलमोस्ट सेम है और यदि हम उसमें अगले साल उन्होंने जैसे ब्याज की मद में आठ लाख करोड़ का पेमेंट करने वाले हैं वो तो अगर उसको हम घटाएं तो वो कम हो जाता है लेकिन एक बात हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए ये ठीक ऐसा है मतलब मैं लोगों को थोड़ा आसानी से समझाने के लिए उदाहरण दे रहा हूँ यदि पचास हजार रुपये महीने खर्च करता है और साल में छह लाख रुपए खर्च करता है लेकिन किसी उस साल में यदि उसको बहुत असाधारण कोई गंभीर बीमारी हो जाती है और अतिरिक्त पांच लाख रुपए खर्च करता है तो उसका खर्च दस लाख रुपए उस साल में हो गया और जो उसने कहीं से कर्ज लिया है पांच लाख रुपये अब क्या अगले साल में वो आप ये कहेंगे कि इसको 11 या 12 लाख रुपए खर्च करने चाहिए जाहिर है कि वो एक बहुत असाधारण परिस्थिति है उसको बिल्कुल ना आप उससे नहीं कर सकते अगर हम पिछले इस जो वित्त वर्ष वित्त वर्ष जो खत्म होने वाला है इस वित्त वर्ष में जो बजट घाटा है वो नाइन पॉइंट फाइव परसेंट है वो इसलिए हुआ कि आपको फूड की जो राशन था उसमें ज़्यादा खर्च करना पड़ा हेल्थ केयर में बहुत सारा खर्च करना पड़ा तो सरकार को आकस्मिक रूप से बहुत सारे खर्च करने पड़े लेकिन उसकी तुलना आप वो नहीं कर सकते अगले साल में यह बात जरूर है कि अब वो करना क्या था सरकार के सामने क्या चुनौती थी तो उनके सामने ये थी कि ये जो अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई हुई है और मुश्किल में है जॉब्स कैसे क्रिएट किए जाएं सरकार ही सबसे पहले खर्च करके जॉब्स क्रिएट कर सकती है और उसके बाद इकोनॉमी का साइकिल अपनी गति पकड़ेगा फिर निजी क्षेत्र का निवेश आएगा और यही क्रम ऑलमोस्ट सब जगह दोहराया जाता है तो मुझे लगता है कि उस नज़रिए से सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तो अच्छे से चुना है और वो उसके ऊपर खर्च करने वाली है बड़ी रकम खर्च करने वाली है सड़कों के बारे में उसने बड़ी रकम एक लाख अट्ठारह हजार करोड़ रेलवे और सड़कों के लिए रखा है जी। तो ये जो शरद जी मैं सोचता हूँ कि ग्रोथ ग्रोथ को गति देगा ये विकास को गति देगा इसमें कोई दो नहीं जो चुनौती रहेगी वो ये रहेगी कि वो विनिवेश के जरिए पौने दो लाख करोड़ जुटा पाते हैं कि नहीं जुटा पाते और जो अपने टैक्स रेवेन्यू के टारगेट्स हैं वो पूरे कर पाते कि नहीं कर पाते नहीं आपने काफ़ी बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की है यानी मोटे तौर पर जैसा हमने इसको शीर्षक भी दिया है कि अर्थव्यवस्था को एक वैक्सीन देने की कोशिश इस बजट के ज़रिए हुई है और कोशिश यही है कि ये वैक्सीन ऐसी हो कि हमें एक इम्यूनिटी मिले जो मौजूदा बहुत ही अर्थव्यवस्था के लिए एक दम घोटू वातावरण पूरी दुनिया में बना तो हम एक इम्यूनिटी लेकर आगे बढ़ें और आगे निश्चित तौर पर जब आप सेहतमंद होंगे और आसपास अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर डालने वाले वायरस भी नहीं होंगे पेंडेमिक वाले तो निश्चित तौर पर यह अर्थव्यवस्था खुद ही अपनी इम्यूनिटी का विकास करेगी और आगे बढ़ेगी ये सोच नज़र आती है विपक्ष प्रथम तो पहले मैं अब्बास हफीज साहब को सुनूंगा फिर रजनीत जी की तरफ चलूंगा जी दे, जी आप ही साहब देखिए शरद सबसे पहले तो आ, ये नहीं है कि हमें विरोधी करना है लेकिन हालात ऐसे हैं कि कि बजट ही ऐसा है है वो विरोध के काबिल <laughs> भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कितनी अपेक्षाएं थी अपेक्षाएं थी युवाओं को अपेक्षाएं थी डिफेंस फोर्सेस को अपेक्षाएं थी अब सिर्फ यहाँ लोगों को भ्रमित करने का काम किया जाए तो वो सही नहीं है आपने कहा कि रिकेपिटलाइजेशन के लिए बीस करोड़ रुपया लगाएगी सरकार इससे कहीं ज्यादा मांग है रिकैपिटलाइजेशन की कहीं ज्यादा मांग है लेकिन साथ में वही उसी बजट में कहा जाता है कि पब्लिक सेक्टर के बैंक्स को बेचेगी सरकार पब्लिक सेक्टर बैंकिंग के अंदर अगर प्राइवेटाइजेशन आएगा तो सरकार फिर कॉम्पिटेटिव मार्केट कहां से लेकर आएगी आगे कैसे सरकार ये आगे जो लोग आएंगे वो कैसे कहेंगे कि हम कृषि की लैंडिंग जो है वो कैपेसिटी बढ़ा देंगे हम एजुकेशन लोन बढ़ा देंगे आप अधिकारी खो देंगे अपना उसके बाद एल आई संस्थाएं जो हैं जो हमारे ये समझ लीजिए नवरत्न जैसे हैं उनमें से उनको आपने डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ाया है पीपीसीएल की भी आपकी सोच है कि आप बेचेंगे उसको प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्रीज प्रॉफिट प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइजेस को बेचना समझ से बाहर है मुझे आप उसी तरफ दूसरी तरफ कहते हैं कि फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे इंश्योरेंस के अंदर अच्छी बात कांग्रेस पार्टी ने इस बात का स्वागत भी किया है इंश्योरेंस में में आप लेकर आ रहे हैं हैं एफडीआई ये वही पार्टी है 97 के अंदर 20 का विरोध किया था लेकिन आज हालात आपको समझ में आते हैं। लोगों को लगता है कि, हाँ, कि बजट बहुत बढ़ा दिया है डिफेंस का बजट शरद जी कैसे बढ़ाया है आप देखिए कितना ज्यादा ये रैपर की वैल्यू होती है डिफेंस के अंदर एलोकेट इन्होंने जो किया है वो इस बार किया है तीन लाख बासठ हजार करोड़ रुपया पिछली बार किया था तीन लाख सैंतीस हजार करोड़ रुपया लेकिन लद्दाख के स्टैंड ऑफ में एल पे खर्च करने के लिए सिर्फ इसमें इंक्लूडिंग है बीस करोड़ रुपया अगर आप उसको घटा देंगे तो ओवरऑल डिफेंस बजट के ऊपर कितना बचता है आपको मात्र चार करोड़ रुपये की बढ़ोतरी है अब आ जाइए मेडिकल के हेल्थ केयर के अंदर आज हेल्थ केयर में क्या सिर्फ वैक्सीन ही सब कुछ थी या हेल्थ केयर ऑल आपको बनाने की जरूरत थी ओवरऑल अस्पतालों के अंदर देना था नए अस्पतालों को खोलना था ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों को मजबूत करना था उसमें क्या कैसे करके भ्रमित किया है आप देखिए कैसा रैपर है और अंदर क्या है मतलब आ, आ, जो है ना वो पोस्टर के अंदर से निकला कुछ और तो ये देखिए कि के हेल्थ केयर के अंदर इन्होंने इस बार 21 लाख करोड़ रुपया इन 94452 करोड़ रुपया ये लाला है एलोकेट किया और कहा गया एक प्रतिशत हमने आगे बढ़ा दिया लेकिन इसके अंदर इंक्लूड किया गया है पैंतीस हजार करोड़ रुपया वैक्सीन के लिए अगर आप उसको घटा देंगे क्योंकि वो वक्तिया है उसको घटा देंगे तो दस हजार करोड़ की घट घट गा, कम किया गया है बढ़ोतरी नहीं है दस हजार करोड़ रुपया कम कर दिया है एक्चुअल जो लास्ट एलोकेट किया था जो उनहत्तर हजार करोड़ था इसके हिसाब से इस बार सिर्फ उनसठ हजार करोड़ रुपया तो ऐसे हालात के अंदर आप विरोध नहीं करेंगे तो क्या करेंगे सड़कों पर आना चाहिए जनता को कि जनता के अधिकार जा रहे हैं यहाँ तो जी रजनी जी देखिए बहुत सारी बातें तो आदरणीय पारासर जी ने कह दी मुझे लगता है बेसिक इस बजट का जो है वो उन्होंने समझा दिया लेकिन इसके बावजूद पारासर जी चूंकि अर्थ को बहुत अच्छे से समझते हैं बजट को भी समझते हैं तो मेरी दो बातों से शायद पारासर जी सहमत होंगे पहली बात ये कि सत्तर सालों में कोविड पीरियड के बाद भी जो बजट भारत सरकार का आया है उसमें पूंजीगत व्यय सबसे ज़्यादा है पारासर जी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अगर कोई बजट चाहे वो स्टेट का हो या सेंट्रल का अगर पूंजीगत व्यय ज्यादा करता है तो वो बजट ठोस बजट होता है वो बजट प्रगति का विकास का बजट होता है सबसे बड़ी बात है दूसरी बात ये है कि ये बात कही जा रही चुकी नेगेटिविटी के साथ में बात उठ रही है कि मिडिल क्लास को क्या है मिडिल क्लास की इच्छाएं अधूरी रह गई मैं फिर पारा सर जी से पूछूंगा कि जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है जब जीडीपी की ग्रोथ बढ़ती है जब तमाम प्रकार का पूंजीगत व्यय बढ़ता है जब पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में लगता है जब इन्वेस्टमेंट आता है तो उसका सीधा लाभ किसको मिलता है मिडिल क्लास को क्योंकि ग्राह वही होता है ग्राहक करने की अनुकूलता उसी के पास होती है इसलिए मिडिल क्लास को महज इनकम टैक्स की स्लैब से मिडिल क्लास की आकांक्षाओं को आप नहीं नाप सकते दूसरी बात एक बात तो स्वीकार कर ली ना कि नहीं बा, बाकी तो सब ठीक है मध्यम वर्ग का दूर यानी गांव गरीब किसान रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य पांच छह जो बेसिक चीजें हैं इस सरकार ने की हैं और आज प्रधानमंत्री आवास योजना का मामला हो चाहे जुलाई योजना को एक करोड़ का फिर से जो बचे हैं उनके लिए देने का काम किया वहीं एक एक देश राशन कार्ड पर करोड़ लोगों की आकांक्षाओं को पूर्ति देने का चाहे प्रदेश का हो दिल्ली में पहुंचाए तो उसको कार्ड का लाभ करोड़ लोगों का लाभ प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ स्वास्थ्य के मामले में आज आयुष्मान भारत बहुत बड़ी ताकत बना है नौ मध्यम वर्ग का गरीबों का और ये मैं केवल इस चैनल से बोलने के लिए नहीं उनसे पूछो जो तमाम अस्पतालों में जाते और अपना इलाज करवा रहे उनको संबल देने के साथ साथ में में बड़ी डॉक्टरों के भी उत्पादन करने का हमारे देश में कमी थी डॉक्टर्स की हेल्थ सेंटर को एम्पावर करने का मैन पावर के साथ साथ में सेंटर्स नहीं है ऐसे लगातार एम्स खुल रहे हैं आपने देखा होगा एम्स के साथ में डॉक्टर्स की उपलब्धता इक्विपमेंट्स की उपलब्धता वो जो बजट जो हमारी सीमित संसाधनों के बावजूद हमने बढ़ने का काम किया दूसरी बात जो इन्होंने कहा का होना ही चाहिए राजा का, का काम नहीं है व्यापार करना सरकार का, का काम व्यापार करना नहीं है व्यापार व्यापारी करेगा और जो हसर किया सफेद हाथी पालकर वो किसी से छिपा हुआ ने क्या हालत एयर इंडिया बी और रेलवे की हुआ करती जो इन्होंने मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन निगम की की वो भी किसी से छिपी हुई नहीं तो मैं तो इस पक्षधर हूं कि सरकार को कोई व्यापार नहीं करना चाहिए किसी भी सार्वजनिक उपक्रम से जी, सरकार व्यापार क्यों करती है शरद जी सरकार व्यापार करती है व्यापार के सेक्टर में होती है ताकि मार्केट बन सके सरकार अपनी जनता के लिए जो सारी की सारी चीजें सरकार को कमा के जो फर्म दे रही है जो एंटरप्राइजेस दे रही है उसके हैं वो तो वेरी करते हैं वो तो वेरी करते हैं अलग अलग है लेकिन आज आप इस पर बात तो कर नहीं रहे हैं भाई साहब आपने हेल्थ केयर में दस हजार करोड़ रुपया नहीं क्या पूछा आपने फिर से पूछ लीजिए मुझसे ये, ये 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 जो है आपके पब्लिक इंटरप्राइजेस के बारे में ये, ये कांग्रेस के के बेसिक इकोनॉमिक्स थॉट्स हैं क्या बिल्कुल आज चिदम्बरम जी को सुनिएगा जी को सुनिएगा जो प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइजेस खास तौर पर दो की सेक्टर्स एक हेल्थ और दूसरा बैंकिंग इन दो के अंदर अगर आप टोटल हंड्रेड परसेंट प्राइवेट प्लेयर्स को छोड़ देंगे तो जनता का शोषण होगा आप ये चीज करके भाग नहीं सकते हैं क्योंकि आप सिर्फ उससे पैसा लाना चाहते हैं आपकी हालत वो है भारतीय जनता पार्टी की के पिता ने और दादा ने जो संपत्ति बनाई थी तो बेटा निकम्मा निकल गया सब बेच डालो सब बेच डालो सिर्फ इसी से लेंगे हम तो, हम तो अपने ब्रांडिंग पे लगाएंगे कोई पांच हजार करोड़ का खर्चा करेंगे पोस्टरों पे दिखने के लिए टीवी पे दिखने के लिए पेट्रोल पंप में है तो वो यहां तक कि कोविड की वैक्सीन लग रही है दुनिया के किसी देश में राष्ट्र जो अध्यक्ष होगा उसका फोटो नहीं हमारे यहां पर होगा तो ये हालत है आज पब्लिक के फोटो तो से वैक्सीन फोटो नहीं ओवरऑल है, के के <laughs> है उस पर आप बात नहीं कर रहे हैं पैंतीस हजार करोड़ को हटा दीजिए पहले आपको प्रधानमंत्री महोदय को लगवाए मुख्यमंत्री महोदय को लगवाए कोई मुंह से कह रहा है कोई अपने हालात से कह रहा है जयप्रकाश जी जो मूल बात है इस बजट की अगर फिर हम समझें आलोचना के नज़रिए से इसको देखने की कोशिश करें तो जैसा आपने भी उदाहरण दिया कि एक अभूतपूर्व स्थिति से अगर हम गुज़रते हैं तो कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगली बार मैं उन स्थितियों में नहीं उलझूंगा, जिन स्थितियों में इस बार हो सकता है इस बजट में और होगा ही जो आंकड़ों की बात की जा रही है कि कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो चौंका सकते हैं आपको कि ये प्रोविजंस तो आपने ये दिखाया है लेकिन ये जगलरी हर बजट में होती है हर सरकार के बजट में होती है इसको जस्टिफाई हम नहीं कर रहे हैं लेकिन आपको क्या लगता है कि कोई भी सरकार होती इन परिस्थितियों में और दुनिया के कंटेम्प्रेरी जो हमारे मुल्क हैं यूरोप के भी और एशिया के भी आप क्या देखते हैं कि जिन परिस्थितियों में ये बजट आया है पूरी वैश्विक परिस्थितियाँ हैं ग्लोबल सिनेरियो है उन परिस्थितियों में क्या इससे कुछ और बहुत उम्मीदें लगाने वाला बजट सामने आ सकता था जी शरद जी शरद जी भारत की राजनीति में सत्ता में होने में और सत्ता से बाहर होने में तर्क बदल जाते हैं पार्टी सेम रहती है अगर आप देखें तो जो डिसमेंट है उसका सबसे पहला लक्ष्य किसने रखा था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उन्नीस सौ तो इक्यानवे में, में रखा था अगर आप थोड़ा सा हमारे साथी गूगल करेंगे तो उनको पता लग जाएगा और उसके बाद में कांग्रेस के कई वित्त मंत्रियों ने डिस की बात की तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये और ऑलमोस्ट जो पॉलिसीज़ हैं आज की जो एनडीए गवर्नमेंट की वो तकरीबन उनमें बहुत ज़्यादा बुनियादी फ़र्क नहीं बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जो ये जो एन डी टू है इसकी पॉलिसीज़ आप अगर देखें तो काफ़ी सोशलिस्ट किस्म की नज़र आती है आज उन्नीस में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म किए गए उसकी बड़ी दरकार महसूस कर रहे हैं हर जगह लोग कि हमें बड़े फैसले करने की ज़रूरत है लेकिन आ, क्या है कि उसके लिए बड़ी राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए हालांकि इसमें कुछ उन्होंने कोशिशें की हैं वो तो हमारे जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसी को हमें बड़े सुधारने की ज़रूरत है कानून हमारे ऐसे हैं जो लोगों को व्यवसाय करने में उतना ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं करते उन कानूनों को ख़त्म करने की ज़रूरत है आज ही अगर हम देखें इस बजट में तो तकरीबन 400 कस्टम ड्यूटी का जो रिस्ट्रक्चर है उसको सुधारने की या दुरुस्त रिस्ट्रक्चर करने की बात की गई है क्योंकि वो हालात अब लोहे के जो प्राइसेस हैं वो इतने ज़्यादा स्टील प्रोडक्ट्स के हैं और हमारी ज़रूरत तो स्टील प्रोडक्ट्स की है तो उन्होंने एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी को ख़त्म करने की बात इसमें की जिसकी बड़े लंबे समय से मांग भी की जा रही थी और ये बड़े फौरी उपाय होते हैं क्योंकि डब्ल्यू टी के तहत हमारे कई एक तरह से देखा जाए तो वादे होते हैं उनको पूरा करना रहता है अब वो मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि पॉलिसी जो आप आपका सवाल था तो पॉलिसीज जो है वो आलमोस्ट सेम है अब यूपीए वन में जिस तरह से अपनाया गया था तरीका और जिसकी वजह से 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह वापस सत्ता में लौटे थे अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने भी वही उज्ज्वला स्कीम और तमाम जो योजनाएं अभी हमारे रजनीश अग्रवाल जी गिना रहे थे ये सब जो हैं वो तकरीबन उसी मोट पर जाती हैं और मैं अभी इन आंकड़ों की चार सरकारों की तुलना भी कर रहा था आज दिन में यू पी ए वन यू पी ए टू और एन डी ए वन और ये एन डी ए टू आप देखेंगे बड़ी सिमिलैरिटी दिखती है और जो यूपीए पी टू में नीचे ग्राफ जाता हुआ दिखता है ठीक वैसा है वैसा ही जो है वो मुश्किल में दिखाई देता है तो अब यहाँ से क्या है कि ये सोचने की ज़रूरत है अर्थव्यवस्था को जॉब क्रिएशन की जरूरत है आज की तारीख में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो जॉब्स को क्रिएट करने की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि सरकार के ध्यान में सबसे बड़ी प्रायोरिटी आज की तारीख में ये है और साथ में उसने इसको खोलने की कोशिश की अर्थव्यवस्था को थोड़ा लोगों को ज्यादा मौका मिले काम करने का इसमें लोगों की भागीदारी बढ़ना बहुत जरूरी है तो मैं समझता हूँ जो विनिवेश है विनिवेश बहुत समस्या की तरह नहीं देखना चाहिए विनिवेश एक जरूरत भी है जो सिख हो गए बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन वो जनता का ही तो पैसा जाता है वो कहाँ जाता है वो घाटा कौन भरता है पब्लिक की तो बढ़ती है कोई पार्टी थोड़ी भरती है तो ये तो पब्लिक पब्लिक का जाता है तो वो पब्लिक का पैसा इस तरह से अगर हम तबाह होते हुए तो नहीं देख सकते ना कितना मौका देंगे आप जी जी, मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूं कि सरकार को पूरी तरह से बिजनेस से आउट नहीं होना चाहिए सरकार को हेल्थ सेक्टर में रहना चाहिए जो हमारे भाई तो कांग्रेस के बिल्कुल सही कह रहे हैं हेल्थ में एजुकेशन में ऐसे सेक्टर में जी हेल्थ रहना चाहिए दोनों सर्विसेज में इनमें इस तरह की चीजों में रहना चाहिए ताकि लोगों को मिले बिल्कुल ठीक है जी हाँ, हफीज साहब जो पुरानी बात की बात है तो नालको के वक्त भी बीजेपी ने यही कहा था जब नालको का डिसइन्वेस्टमेंट डिस होना था 2006 में तो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड था प्रॉफिट मेकिंग जो इन, आ, हमारी कंपनीज उनको नहीं बेचा जाए तो आज रजनीश जी उस पर बात नहीं करेंगे नहीं तब हम राजनीति कर रहे थे आज हम बेचने का काम करेंगे अब किसानों को किस तरह से ढगा जा रहा है उस पर भी कोई चर्चा नहीं हो रही है कृषि जो लगाया जा रहा है रुपया डीजल उस पर कोई बात ही नहीं करना चाह रहा भाजपा का नेता <laughs> कि भाई आप चार रुपया डीजल किस पे लगा रहा हो जो सबसे ज्यादा किसान ही उसका सबसे बड़ा किसान की बोनी होगी डीजल से होगी किसान की कटनी होगी वो डीजल से होगी किसान की थ्रेशिंग होगी वो डीजल से होगी किसान का ट्रांसपोर्टेशन होगा वो डीजल से होगा तो शरद जी वैसे भी आखिरी के अंदर आप किसान के ऊपर ही भार डाल देंगे और फिर थोड़ा सा किसान को दे देंगे तो ये पब्लिक मैं समय ले लूँ थोड़ा सा क्योंकि मैंने तो एक ही बार बोला पहली बात तो यह है कि कोई डीजल का दाम नहीं बढ़ा है कोई पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ा है किसी प्रकार से उपभोक्ताओं के ऊपर कोई बोझ नहीं लादा गया ये बहुत क्लियर हो जाए किसी भ्रम में ना पले दूसरी बात यह है कि किसानों के पास 80 प्रतिशत किसानों के खातों में जो बैंक के दरवाजे भी नहीं नॉक करते थे उनके खातों में पैसा डालने का दस हजार रुपया साल इस सरकार ने किया मध्य प्रदेश में भी हुआ है आपने उनकी चिंता नहीं की तीसरी सबसे बड़ी बात किसान के साथ में जो सहयोगी जी उनकी थोड़ा यह समझा दीजिए कि डीजल पेट्रोल का कैसे असर नहीं आएगा वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उपभोक्ता के जेब से पैसा नहीं निकल रहा है वो पैसा हुँ. जो संबंधित कंपनीज हैं उन कंपनीज के माध्यम से वो पैसा लिया जाएगा उपभोक्ताओं के लिए नहीं पैसा नहीं आएगा और और वो रेट नहीं बढ़ेगा ये आपकी गारंटी है इसको, और, आ, इसको बहुत स्पष्ट सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करने वाला सबसे ज्यादा पिछासी से छिया प्रतिशत रोजगार पैदा करने वाला एमएसएमई सेक्टर है उसको सबसे बड़ा संबल देने का काम लगातार मोदी सरकार कर रही है लेकिन इस बजट में भी किया गया और जो कस्टम ड्यूटी लगाई गई अभी जिक्र थोड़ा बहुत कर रहे थे वो भी मजबूत बनाने के लिए ताकि हमारे देश के उत्पादनों को जगह मिले

अब ना कुल केरला स्ट्रिक्स में जब वहां इलेक्शन शुरू होंगे तब तक यहां से बाहर एलोकेट नहीं होगा वहां से बाहर तब तक एक रुपया भी एलोकेट नहीं, नहीं होगा आप जैसे गए थे बिहार के अंदर अपना पैकेज लेकर और चुनाव के अंदर वैक्सीन लेके वहाँ कोई सारी चीजें लेकिन मैं शरद जी ऐसी इतनी सी बात 100 पूछना 100 चाहता हूं जो पराशर जी से पूछना चाहता हूं कि जो इन्होंने पेट्रोल डीजल पे कहा है मैं चाहता हूं कि मुझे भी जानने हूँ मौका मिलेगा ये कहकर रहे हैं तो मेरा पहली बार सुना है ने पढ़ा होगा वो बता देंगे चार रुपया डीजल ढाई रुपया पेट्रोल बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बात हफीज साहब शुक्रिया रजनीश जी शुक्रिया जयप्रकाश जी निश्चित तौर पर जैसा हमने पहले कहा कि आलोचना कहिए या समालोचना कहिए उसके दायरे से न कोई व्यक्ति परे है न संगठन न बजट तो निश्चित तौर पर बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती हैं जिन पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं लेकिन मैं फिर कहूँगा कि बॉटम लाइन ये होनी चाहिए कि बजट ना पीछे लौटने वाला होना चाहिए कि पेंडेमिक के भय से कहिए या पेंडेमिक के दबाव से कहिए कि आपने अपने मूल बिंदुओं से ही अपने को डिरेल कर लिया और इस अर्थव्यवस्था को प्रतिगामी बना दिया ऐसा नहीं होना चाहिए व्यवस्था अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती हुई नज़र आनी चाहिए और इस बजट ने कम से कम वो एक उम्मीद हमारे सामने ज़रूर रखी है कि बजट के पर हमने पेंडेमिक इराम में ये जो बजट प्रस्तुत किया है इस बजट के सहारे हमने भविष्य में ताकत के साथ झांकने की कोशिश की है चुनौतियां हैं समालोचनाएं हैं उनके जवाब बीजेपी सरकार को और उसके अलंबरदारों को देना ही है और वो देंगे ही और विपक्ष अपने सवाल खड़े करते ही रहेगा नमस्कार